नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के शंकनी और डंकनी नदी के बारे में। यूं तो आप जानते होंगे कि दंतेवाड़ा शहर में देवी दंतेश्वरी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है, लेकिन यह शायद आपको नहीं पता होगा कि शंकनी और डंकनी नदी की पवित्र नदियों के संगम पर ही स्थित है यह मंदिर। ये दोनों इंद्रावती नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। डंकनी नदी का उद्गम स्थल डांगरी है और शंकनी नदी का उद्गम बैलाडीला पहाड़ी है। दोनों नदियों के रंग अलग और दर्शनीय है। भक्तों द्वारा यह माना जाता है कि पवित्र स्नान करने और पानी इकट्ठा करने से भूतों का कब्जा खत्म हो जाएगा। दंतेवाड़ा शहर में संगम की यात्रा विशेष रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान इस तरह के धार्मिक वातावरण में आत्मा को शांत करती है और एक को ध्यान की स्थिति तक पहुँचाती है। नदियों का नामकरण दो मादा दानवों शंकनी और डंकनी के नाम पर पड़ा, जो राम के पौराणिक काल में हुई थी। नदियां पूर्व में इंद्रावती के साथ विलीन हो जाती हैं और आदिवासी आबादी के लिए पवित्र होती हैं, जो इसके किनारे रहते हैं। शंकनी बैलाडीला पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो गहरी हरी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो धुंध में कैद है। दक्षिण स्तर पर समुद्र तल से 1260 मीटर ऊपर है। यह दंतेवाड़ा शहर के निकट दंतेनी से प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर से मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।